नमस्कार, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो लगातार जम्मू में जो है लोग कहीं ना कहीं ये सवाल करते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी का काम कब तक ख़त्म होगा या कब शुरू होगा, क्योंकि देखने को नहीं मिलता। तो उन्हें बता दें कि स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो लगातार कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात की जाए तो वो सामने लेकर आए हैं। अगर बात की जाए LED लाइट्स की, तो जी हाँ, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है ऐप भी लॉन्च करवाई थी जिसमें हम LED लाइट्स को लेके, स्ट्रीट लाइट्स को लेके जो है कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं ऐप के थ्रू। और साथ ही साथ बाकी चीज़ों की बात की जाए तो मंगलवार की बात की जाए तो वहाँ पर, अगर डोगरा चौक से केसी रोड की बात की जाए तो वहाँ की इनॉग्रेशन के जो है, वहाँ जाकर उन्होंने जो है पूरा जो दायरा देखा कि किस तरीके से वहाँ की स्थिति है और जिस तरीके से वहाँ पर स्मार्ट सिटी का कदम, यानी कि वहाँ कैसे जो है सिचुएशन सुधारी जा सकती है, तो उन्होंने वहाँ पर निर्णय लिया है कि केसी रोड से बात करें डोगरा चौक की, तो वहाँ पर जो है अब चेंजिंग लाएंगे, कंस्ट्रक्शन जो है वो देखी जाएगी। क्योंकि साथ ही साथ बात करें जहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके साथ, और फुटपाथ्स की बात की जाए तो फुटपाथ्स की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा खस्ता देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो तस्वीर जो है सामने अच्छी नहीं आती। इसको देखकर जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कदम उठाया है कि जितना भी वहाँ पे है कंस्ट्रक्शन जो है फुटपाथ का वो किया जाएगा। और बस स्टैंड की बात करें, साथ ही साथ उसके जो है बस स्टैंड भी आता है जम्मू का, तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं रेनोवेट करने की बात सामने आई है। तो आए दिन जो है, अगर कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जी हाँ, अगर वहाँ की बात की जाए तो उसको भी कहीं ना कहीं चेंज करने में जो है बात सामने लाई गई है। तो ये जो छोटे छोटे कदम हैं आखिरकार स्मार्ट सिटी के लिए ही बढ़ते कदम हैं। तो लगातार जिस तरीके से हमारे उपराज्यपाल की बात की जाए तो लगातार वो नए नए जो निर्णय हैं जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के वो ले रहे हैं। तो जिस तरीके के ऐसे प्रोजेक्ट्स जब सामने आते हैं, जहाँ बात करें श्रीनगर के ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स की, तो जितना भी मैप है वो दोबारा से एक बार रिक्रिएट किया जाएगा, यानी दोबारा से बनाया जाएगा, और स्मार्ट सिटी का जो एक नई तस्वीर है, यानी जम्मू कश्मीर को एक स्मार्ट सिटी बनाने की तस्वीर, वो सामने आएगी। जिस तरीके के लगातार बात करें कल की, तो कल जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है दायरा किया और यहाँ पर देखा कि डोगरा चौक से बात करें केसी रोड की, तो काफ़ी ज़्यादा जो है खस्ता हालत देखने को मिलती है। और जहाँ बड़े हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की जाए, उसके साथ जो है ये रोड और जितने भी फुटपाथ उसके साथ लगते हैं, तो जितने भी फुटपाथ हैं उनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बात करें गाड़ियां रुकने की, और साथ ही साथ बस स्टैंड की बात की जाए, तो काफ़ी वहां पर जो माहौल है बस स्टैंड साथ होने की वजह से जो है बदबूदार रहता है। तो उनका ये कहना है कि यहां पर जो है एक बार फिर से जो है रेनोवेशन की जाए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की जिस तरीके से बात सामने आ रही है, एक जो जो नई नई स्कीम्स की बात की जाए, चाहे वो ऐप्स लॉन्च करने की है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम दोबारा से ठीक करने की है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से जो जम्मू कश्मीर में बारिशें जो है लगातार चल रही है और किस तरीके से पानी जो है जगह जगह इकट्ठा हो रहा है, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है सुधारने का सबसे बड़ा स्टेप जो है वो भी लिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें, तो दोबारा से जो है मैप भी रिक्रिएट किया जाएगा और जितना भी सिस्टम है वो देखा जाएगा कि किस तरीके से पानी का बहाव कहां से कितना ज़्यादा असरदार रहता है, और किधर जहां बात की जाए पानी इकट्ठा होने की, तो सड़कों पर जो है वो कैसे इकट्ठा होता है। तो जितनी नई नई स्कीम्स हैं लगातार जो हमारे उपराज्यपाल है वो लॉन्च कर रहे हैं ताकि जम्मू को जो है स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाए। तो फिलहाल जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं नए आ रहे हैं, चाहे वो LED लाइट्स की बात की जाए, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग की बात की जाए, इसी के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो जीवल चौक में जो है वर्टिकल पार्क, यानी वर्टिकल पार्क जो है बनाया गया है, ताकि जो एक दृश्य है सड़कों पर जो है आते जाते टूरिस्ट का या यहाँ के स्थानीय लोगों का, तो वो जो है एक इमेज जो है दोबारा से नई अच्छी बनती हुई आए, क्योंकि चेंज जो है वो लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं पर अब नए और बाकी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बात करें रोड कंस्ट्रक्शंस की, फुटपाथ कंस्ट्रक्शंस की, तो सामने आ नजर आ रहे हैं। फिलहाल के अपडेट के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।